से डेमोपुर गंगा घाट पर बैरियर की मांग को लेकर के युवा शक्ति और ग्रामीणों ने कल आंदोलन और प्रदर्शन किया था। ग्रामीणों की मांग जायज थी, यहाँ बैरियर लगाया जाए ताकि वाहन एक दूसरी तरफ से आसानी से आ जा सके और उनमें टकराव न हो, क्योंकि पीपा पुल पे वाहनों के टकराव की स्थिति में बड़ा हादसा भी हो सकता है और ऐसा होते होते बचा है 2 दिन पहले। और इसी के विरोध में ग्रामीणों ने आंदोलन किया था। इस मसले को उठाते हुए प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव राजेंद्र मिश्र शंकराचार्य ने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से यह मांग किया है कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए बारातियों और अन्य लोगों की आवाजाही के लिए, क्योंकि यह व्यापारिक क्षेत्र है कुनिया कटरा और यहाँ के तमाम लोग मेजा मांडा भारतगंज आवाजाही करते हैं, ऐसे में उनकी यात्रा आसान हो और बाधाएं दूर हो इसके लिए प्रशासन को कदम उठाना चाहिए, बैरियर की व्यवस्था करना चाहिए, वहाँ मेट की तैनाती है, ऐसे में एक व्यक्ति वाहनों को कम से कम लगन के मौसम तक में तो अवश्य क्रैश कराए और इस तरह के हादसे जो संभावित हो सकते हैं उनको टाला भी जा सकता है, इसके लिए प्रशासन को ये व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिलाधिकारी इस मसले को गंभीरता से लेंगे और इस समस्या का समाधान अति शीघ्र होगा। फिर मिलेंगे इसी खबर के अपडेट के साथ। क्या होता है डेंगुरपुर थंतुलसी पीपा पुल पर नई व्यवस्था, क्या लोक निर्माण विभाग चेतेगा अथवा किसी हादसे का इंतजार कर रहा है जिला प्रशासन, इस खबर के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजन जी, धनतुलसी डेंगुरपुर गंगा घाट पीपा पुल की बदहाली सामने आई है, आप इसका मामला भी उठा चुके हैं, वहाँ के ग्रामीणों और युवा शक्ति की मांग है कि वहाँ बैरियर लगाया जाए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो इस पर ये कहना चाहूँगा कि ग्रामीण और युवा शक्ति जो है दोनों मिलकर के बात को उन्होंने उठाया है, बिल्कुल सच है। मैं उनके बात का समर्थन करता हूँ और उन्हें हार्दिक हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। वहाँ पर पीपापुर के पास एक बैरियर होना बहुत जरूरी है। PWD के एक्सीडेंट साहब से और जिलाधीश अपने जिलाधीश महोदय जी से मैं निवेदन और आग्रह करूंगा, वहां पर बैरियर लगवा करके ये व्यक्ति बैठा दें जिसमें आवागमन में ये सुविधा हो जाए। जब दोनों तरफ से गाड़ी आकर के सड़ जाएंगी लड़ जाएंगी तो ठीक नहीं होगा, इसलिए पीपा पुल के पास एक बैरियर रहेगा, वहां पर सिंगल गाड़ियों को छोड़ा जाए, आने जाने दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे वहाँ की जो युवा शक्ति है और जो ग्रामीण लोग जो बात उठाए बिल्कुल सत्य है, वो अकाट्य है, मैं उनका समर्थन करता हूँ।